हम देखेंगे आज इसका रिले सेटिंग, कि इसमें रिले सेटिंग कैसे करते हैं, मतलब अपने को लो पे एक रिले सेट करना है और हाई पे एक रिले सेट करना है। इसमें दो रिले का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, ये बटन को मैं कंटिन्यूस प्रेस करके रखूँगा, देन ये एक मोड में गया। मैं यहाँ पे LVL 1 कर दूँगा, मतलब लेवल 1 की सेटिंग है ये। यहाँ गया, इसने पूछा है हाई अलार्म, हाई अलार्म पे मैंने 90 सेट कर रखा है, लो अलार्म पूछा है मैंने 30 सेट कर रखा है। उसके बाद हिस्टेरेसिस का है तो 10 का मतलब डिफरेंस है कि कितने तक में स्विचिंग हो सकता है। फिर डिले मैंने 0 डाल रखा है। मोड यहाँ पे, मोड आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FOA मोड है, ऑफ है, HA है, LA है, ये पर्टिकुलर सिंगल रिले ऑपरेट करने के लिए। तो अपने को यहाँ पे बैंड करना है, बैंड मतलब लो और हाई लेवल के बीच का जो बैंड रहेगा उसमें रिले ऑपरेट होगी। ओके, देन मैं इसको एंटर करता हूँ। इसमें आया टेक्निकल, ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे होल्ड है, होल्ड ऑफ रहेगा। रिले, रिले को अपने को इनेबल करना है, ये EN मतलब इनेबल है। उसके बाद यहाँ पे AN आया है, तो AN में अपने को अभी आपके इसमें दिख रहा होगा ऑफ, तो इसको अपने को LED करना है ताकि ये इंडिकेशन मिल जाए। उसके बाद अपन एंटर करके आगे जाएंगे, देन अपन वापस आ गए, अपन ने फर्स्ट बटन को प्रेस करके रखा है 3 सेकंड के लिए, देन अपन मोड से बाहर आ जाएंगे। मोड से बाहर आने के बाद मैं आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। सपोज़ कि जैसे अभी मेरा ये है, अभी मेरा लेवल बढ़ेगा तो पहला रिले 30 पे ऑन होना चाहिए। ये 30 पे ऑन हुआ पहला ट्रिगर, और ये दूसरा 90 पे ऑन हुआ, और जैसे ही मैं हटाऊंगा ये 90 से जैसे ही नीचे जाएगा वैसे ही फिर ट्रिगर करेगा। ये पहला, ये दूसरा ट्रिगर ऑन हुआ। थैंक यू।